अरे वहाँ कहाँ जा रहा है? मैडम को टिफिन देना है ऑफिस में। कोई शक? ये शॉर्टकट होगा। अरे शॉर्टकट नहीं, कार है। ये एंटीक कार के पीछे जा रहा है। क्या कार है यार? 1940 का मॉडल है। क्या कार है? काश ये मेरे पास होती। ए, क्या कर रहा है? बहुत प्यारी कार है, आपकी है? नहीं, मिस्टर बाटली वाला की है। मेरे पास गिरवी रखी है। ये गिरवी क्या होता है? जब पैसे की जरूरत होती है ना, तो कोई चीज देकर पैसे ले जाते हैं। अरे वाह, मेरे पास भी कार है। आपका घर कहाँ है? मैं कार देकर पैसे ले जाऊंगा। ये बंगला मेरा है, जब चाहे आ जाना। अरे तू मैडम की कार गिरवी रखने की प्लानिंग कर रहा है? नहीं, मेरे पास अपनी रिमोट वाली कार है ना। गधे, उसके 10 रुपए भी नहीं मिलेंगे। हो गई तुम्हारी बकबक। अब चलो, मैडम को टिफिन देना है, लंच टाइम होने वाला है। सर, आपकी कार नहीं दिख रही। कार मैंने कबाड़ में बेच दी। कब तू कबाड़ी वाला ले गया? अरे इतनी अच्छी कार कबाड़ में बेच दी। जोरदार, कब से तुझे ढूंढ रहे हैं? कहाँ था तू? वो कार, वो एंटिक। अरे क्या हुआ? कौन सी कार? वो लाल वाली एंटिक कार कबाड़ वाला ले गया। पर वो कार तो बाटली वाला की थी, कबाड़ वाला क्यों ले गया? डब्बा बाटली वाला भी तो कबाड़ वाला ही होता है। कोई शक? तुझे मजाक सूझ रहा है? कबाड़ वाला उस एंटिक कार को स्क्रैप कर देगा। उस कार को बचाना होगा। हाँ यार, इतनी सुंदर कार स्क्रैप नहीं होनी चाहिए। चलो। सुनिए, गब्दू कबाड़ वाला कहाँ है? आई एम गब्दू, जो चाहे बेच दो। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? कबाड़ी, वो भी सूट में। ये लॉर्ड काउंट बेंटेन का सूट है। मैंने कितने पैसे कौन खर्च करे, इसलिए डेमोंस्ट्रेशन के लिए मैंने पहन लिया। हाउ कैन आई हेल्प यू? आपने आज एक एंटिक कार खरीदी है ना? यस, हो रही। सी? बाकी कार कहाँ है? बेच दी। आई एम गबड़ू, जो चाहूँ बेच दूँ। एंटीक चीजों के खरीदार अलग अलग पार्ट्स खरीद कर ले गए। अंग्रेजों के जमाने की कार है। और सीट, वाइपर, इंजन, आपको क्या चाहिए? एड्रेस? वो सामान जिन्होंने खरीदा है उसका एड्रेस चाहिए। और इस कार का कोई भी पार्ट मत बेचना, हम खरीदेंगे। ओके, मैं आपको बायर्स लिस्ट देता हूँ। बॉनेट का याद है, ओबेरॉय साहब ले गए हैं। आप ओबेरॉय साहब का एड्रेस दे दीजिए। आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। ये देखिए मेरा असेंबल्ड पियानो है। यू नो, हाउ कैन यू नो? मुगलों के जमाने के तख्त में सैगल साहब के हारमोनियम की कीज लगाई है।
तरकीज के तार कलाम साहब की पहली साइकिल के पहिए की ताड़ियों के हैं और स्टैंड अंग्रेजों के जमाने की कार के बोनट का कवर है। यू नो हाउ कैन यू नो, ये तो गब्दू से भी बड़ा कबाड़ी है। कोई शक, इतना एंटीक पियानो किसी के पास नहीं है। अब तो आप गिनीज बुक में मेरा नाम डालोगे ना? नहीं, पर मैं हनीज बुक में आपका नाम डाल दूंगा। ये कौन है? मैं। इसने तो बोनट का कवर बना डाला, अब क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा वरना जोरदार का दिल टूट जाएगा यार। रुक, मैं कुछ सोचता हूँ। आई एम कंफ्यूज्ड, आप हनीज बुक से आए हैं पर आपने तो कॉल किया था कि आप पिकीज बुक से आ रहे हैं। देखिए, आप गलत समझ रहे हैं, हमने कॉल नहीं किया था, हम पिकीज बुक से नहीं आए हैं। तो आप कौन हैं? कदरदान, आपके पियानो के बारे में सुना तो चले आए, कमाल का पियानो है। पर ये बोनेट पूरा शो खराब कर रहा है। कोई शक? अच्छा, हाँ, इसकी जगह किसी बड़े आदमी का छाता होना चाहिए, लुक भी कमाल का आएगा और पिकीज बुक में आपका नाम भी कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, मेरे पास मैक्सवेल 2 का छाता है। बस वो ही लगाइए, ये बोनट हम यहाँ से हटा देते हैं और ले जाते हैं। कोई शक? हाँ हाँ प्लीज। ओए ऊपर वाले का लाख लाख थैंक यू, सही टाइम पर सही सजेशन मिल गया, वरना पिकीज बुक में मेरा नाम नहीं आ पाता। ओए मोहने, वो स्टोर रूम से छाता ले आओ। एक मिनट, दिस इज फॉर यू। ये मुगल बादशाह के बेडरूम का वाज है। मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लिस्ट में अगला नाम किसका है? प्रफुल्ल भाई का। वो रहा स्टेरिंग, निकालो और चलो, काम आसान हो गया। कोई शक? नहीं नहीं, ये तो चोरी होगी ना। हाँ, अंदर चलकर मांग लेते हैं। अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी टाइट है हो भाई? क्या काग टाइट है, स्टेरिंग को लेफ्ट में घुमाया तो दरवाजा खुल गया। अच्छा, मैंने तो बेडरूम में तिजोरी पे हर जगह एंटीक के स्टेरिंग लगाए हैं। मजबूत है, कोई खोल नहीं पाता। अरे कोई खोल नहीं पाता है, सिक्योरिटी टाइट है हो भाई? चेक कर लीजिए, वो भी लेफ्ट में घुमाने से खुल तो नहीं जाते। खुलते हैं। धर्मेश, सारे स्टीयरिंग निकालो। अरे लगवाओ नहीं, कंप्यूटराइज लॉक लगवाओ। ये सारे स्टीयरिंग का आप क्या करेंगे प्रफुल्ल भाई? ले जाओ। अरे तुम ले जाओ, सारे स्टीयरिंग ले जाओ, सिक्योरिटी टाइट चाहिए। नेक्स्ट निकी राम जी। राम जी, कैसे हैं आप? कल जैसा था उससे अच्छा हूँ। धंधा है पर नीचे चलता रहता है भाया। सुनने में आया है आप गब्दू कबाड़ी से तो टायर खरीद के लाए हो भाया। हाँ लाया हूँ, हो रहे टायर चाहिए? हमें तो टायर चाहिए थे। ले जाओ, मैं दूसरे खरीद लूँगा। धंधा है ऊपर नीचे चलता रहता है भाया। हाँ, 5,000 में खरीदे थे, 10,000 में ले जाओ। ये तो डबल दाम है। कोई शक? हाँ, धंधा है ऊपर नीचे चलता रहता है। कुछ तो कमाऊंगा ना भैया। देखिए, हमारे पास पैसा नहीं है। तो जब आ जाए तो ले जाना, यही टंगे हैं, चले थोड़ी ना जाएंगे। ओए लेगा रहे साथियों, सभी एंटिक चीजें हैं, लूट लो। ये
ये लोग बहुत मारते हैं, भागो यहाँ से। शाबाश, तुम लोगों ने मुझे लूटने से बचा लिया। तुम्हें टायर चाहिए ना, ले जाओ फ्री में। हाँ, धंधा है, ऊपर नीचे चलता रहता है। साथ में ये पीतल की मूर्ति मेरी तरफ से गिफ्ट, 1445 की है। तुम्हें पुरानी चीजें पसंद है ना? थैंक यू सो मच निकी राम जी, थैंक यू सो मच। डरो नहीं, आई एम गबड़ू, जो चाहूं बेच दूं। ये क्या हुलिया बना रखा है? नौटंकी वाला अपना पुराना सामान बेच कर गया। मुझे ये ड्रेस अच्छी लगी तो पहली, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? हम सारा बिका हुआ सामान ले आए हैं, फटाफट कार रेडी करके मुझे दे दो। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, 25,000 एडवांस, 25,000 डिलीवरी पर। किस बात के? कार की प्राइस 50,000 है ना, खरीदी है तो कमाऊंगा भी, फ्री तो दे नहीं दूंगा। मेरे नसीब में ये कार है ही नहीं। तो चिंता मत कर जोरदार, मैं देखता हूँ। गब्दू, हमारे पास पैसे नहीं है, पर ये एंटिक चीजें हैं, तुम कार दो हम ये दे देंगे। वाह मूर्ति, एंटिक स्टीयरिंग, डन डील, पर ये सब देना पड़ेगा। हाँ ले लो, घर पर कुछ न्यूज़पेपर और टूटी हुई बाल्टी भी है, वो भी ले जाना। बस हमारे जोरदार को कार दे दो। योर कार इज रेडी सर। मेरे कलेक्शन में एक कार और आ गई, थैंक्स दोस्तों। एक बात समझ नहीं आई छोटे भाई, सब पुरानी चीजें बेचते हैं, अपना जोरदार इकट्ठा क्यों करता है? ये तो कबाड़ी भी नहीं है, अपना अपना शौक है, कोई शक।